सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं सर्विस लेवल एग्रीमेंट विथ रियल इंडस्ट्री एग्जांपल। मतलब क्या है सर्विस लेवल एग्रीमेंट, मतलब क्या, और रियल लाइफ एग्जांपल्स उसके क्या क्या है वो मैं इसमें बताने वाला हूँ। इससे पहले मैंने एप्लीकेशन सपोर्ट्स के बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन दे दिए थे, तो आप जरूर उसको विजिट कर देना। आप ये चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करो, आपको सब इंटरव्यू क्वेश्चंस L1 चाहिए, L2 चाहिए, डेस्कटॉप सपोर्ट चाहिए, सब इंटरव्यू क्वेश्चंस फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएंगे। ओके, सो चलो शुरू करते हैं सर्विस लेवल एग्रीमेंट के बारे में। ये सर्विस लेवल एग्रीमेंट या SLA सपोर्ट के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, राइट? सो वो क्या है ये समझना भी एज ए सपोर्ट इंजीनियर आपको जरूरी है। सो ये वीडियो जरा भी स्किप मत कर देना। बहुत सिंपल वर्ड्स में मैंने बताया है, एक सर्विस लेवल एग्रीमेंट का मैंने एक एग्जांपल देके रखा है, सो दैट एवरीबॉडी कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज सर्विस लेवल एग्रीमेंट। चलो शुरू करते हैं। सर्विस लेवल एग्रीमेंट इज कॉन्ट्रैक्ट, इट इज कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अ सर्विस प्रोवाइडर एंड अ कस्टमर। मतलब क्या रहता है, एक कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट, जो सर्विस प्रोवाइडर और कस्टमर के बीच में रहेगा। That outlines the specific service the provider will deliver. Provider कौन सी service deliver करेगा वो उसमें रहेगा, and defines some measurable performance standards that service must meet. Okay? It serves as a blueprint for expected quality of service. Service level agreement क्यों करते हैं? Quality of service बढ़ाने के लिए करते हैं. Okay? Including the responsibilities and expectations from both parties. ओके, मतलब क्या है, अगर आप एक XYZ कंपनी में काम कर रहे हो तो आपके कंपनी ने एक एग्रीमेंट बनाया होगा आपके कस्टमर के साथ, जो क्या क्या डिफाइन करता है, डिलीवरी के बारे में डिफाइन करेगा, मेजरेबल परफॉर्मेंस के बारे में डिफाइन करेगा, स्टैंडर्ड्स वी रिक्वायर्ड टू यूज के बारे में डिफाइन करेगा, क्वालिटी ऑफ सर्विस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड एक्सपेक्टेशंस के बारे में वो डिफाइन करेगा। ये एग्रीमेंट रहेगा आपके कंपनी के बीच में और या सर्विस प्रोवाइडर के बीच में और कस्टमर के बीच में। एज अ कंपनी यू आर अ सर्विस प्रोवाइडर, राइट? एंड कस्टमर कौन रहेगा, आपको, आप जिसको सर्विस वो दे रहे हो वो कस्टमर रहेगा। ओके, व्हाट, उसको बोलते हैं SLA। SLA में क्या क्या आता है, स्कोप ऑफ सर्विसेज। पहली चीज क्या आती है, स्कोप ऑफ सर्विसेज, क्या स्कोप रहेगा सर्विसेज का वो आएगा। द SLA डिफाइंस एग्जैक्ट सर्विसेज द प्रोवाइडर विल डिलीवर which is in written format, specifying the task, activities, deliverables involved. Okay, सब task के बारे में रहेगा, activities के बारे में रहेगा, deliverables involved रहेगा। It outlines the boundaries of services provided and limitations of the agreement. Okay, then क्या रहेगा, performance matrix. SLA establish key performance indicators like KPIs रहते हैं, वो key performance indicators SLA में भी रहेगा आपके, that service provider must meet. अगर आप KPIs meet नहीं करते हो तो वो contract breach हो जाएगा, contract breach हो जाएगा तो as a service provider आपको penalty पैसे में pay करने होगी। Okay? In monetary form रहती है penalty most of the times. Okay? Such as response time, resolution time, uptime and relevant metrics. These metrics often quantifiable and measurable. These metrics, ये performance metrics measurable रहते हैं, quantifiable रहते हैं, वो उस service contract में लिखे रहते हैं. Okay? Ensuring that service provider's performance can objectively evaluated. Simple. Okay? क्या क्या आता है उसमें SLA में, scope of services, performance metrics. नेक्स्ट इज क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। क्वालिटी स्टैंडर्ड्स क्या मेंटेन करने वाले हो एज अ सर्विस प्रोवाइडर आप। द SLA सेट्स द क्वालिटी बेंचमार्क्स दैट द सर्विस प्रोवाइडर इज एक्सपेक्टेड टू अपहोल्ड। दिस कैन इंक्लूड एक्यूरेसी, थरोनेस, कंप्लायंस विथ रेगुलेशंस एंड अदर रिलेवेंट क्वालिटी पैरामीटर्स। ओके, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स सब लिखे रहते हैं उसमें, एक्यूरेसी रहेगी, थरोनेस क्या रहेगा, कॉम्प्लायंस क्या रहेगा, रेगुलेशंस क्या रहेगा, ये सब डिफाइन रहेगा। इट आउटलाइंस द मिनिमल एक्सेप्टेबल लेवल्स ऑफ सर्विस क्वालिटी कस्टमर कैन एक्सपेक्ट। ओके, देन क्या रहेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑब्लिगेशंस। द SLA आउटलाइंस द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ बोथ सर्विस प्रोवाइडर एंड द कस्टमर। इट डिफाइंस दैट ईच पार्टी इज अकाउंटेबल फॉर
what task, what obligations, okay? So वो भी आता है SLA में या सर्विस लेवल एग्रीमेंट में. नेक्स्ट क्या आता है, रेमेडीज एंड पेनल्टीज. पेनल्टी कब लगेगी, आप अगर कोई क्लॉज ब्रीच कर रहे हो तो पेनल्टी लगेगी आपको एज अ सर्विस प्रोवाइडर. पेनल्टीज ये बहुत बहुत ज्यादा खतरनाक रहती है, लैक्स ऑफ रुपीज में रहती है. ओके, अगर आप P1 टाइप का इश्यू सॉल्व नहीं कर पाते हो इन स्पेसिफाइड टाइमलाइन, लेट्स से 8 आवर्स का अगर SLA है, अगर वो ब्रीच हो जाता है तो हर एक आवर के लिए आपकी कंपनी को कुछ ना कुछ पैसे पे करने पड़ते हैं. सो इसलिए वो मैनेजर सिर पे बैठे रहते हैं ना आपके P1 इशू, P2 इशू के लिए. गॉट इट. SLA often includes the provision for remedies and penalties in case of service failure or breaches. These may involve financial compensation, service credits, or other forms of redress to the customer in case of service provider fails to meet the agreed upon standards. एक standard set की रहती है, वो standard के ऊपर standard आप breach करोगे या fail होता है तो आपको वो penalty pay करनी पड़ेगी. Okay. Next is review and modification process. SLAs typically include provisions for regular review and possible modification of agreement. This allows both parties to adapt to changing circumstances, technology enhancement, and evolving business needs, ensuring that the SLA remain reviewed and effective over time. Okay, अगर over time करना पड़ता है तो वो सब modifications procedures आपके SLA में आती है. Okay, so इससे क्या होता है, transparency बढ़ जाती है, accountability बढ़ जाती है, trusted relationship रहता है आपके और customer के बीच में या service provider और customer के बीच में. So that is very very important. That's why this contract comes into the picture. That is SLA. So, मैंने एक SLA का सिंपल बहुत ही बेसिक एग्जांपल देके रखा है. आपको अगर वो PDF फॉर्मेट में चाहिए तो मुझे complexscale@gmail.com पे मुझे मेल कर देना आफ्टर सब्सक्राइबिंग योर द चैनल. ओके, ऑल्सो अगर आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस भी PDF फॉर्मेट में चाहिए तो वो भी आपको complexscale@gmail.com पे आप मेल करोगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट में मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगा. ओके, सो ये मैंने सर्विस लेवल एग्रीमेंट का एक एग्जाम्पल दिया है जो IT सपोर्ट सर्विसेज के लिए है. समझो XYZ टेक सॉल्यूशंस है, कस्टमर ABC कॉर्प है, इफेक्टिव डेट है 30th अक्टूबर से एंड ड्यूरेशन रहेगा 12 मंथ्स का. तो ये सब सर्विस लेवल एग्रीमेंट में मेंशन रहेंगे. सर्विस का डिस्क्रिप्शन जो मैंने लिखा है वो पॉइंट वाइज लिखा है, बट SLA के कॉन्ट्रैक्ट में ये बहुत डिटेल लेवल पे रहता है, वेरी डिटेल लेवल. जैसे कि हेल्प डेस्क सपोर्ट रहेगा, ट्रबल शूटिंग नेटवर्क रहेगा, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस रहेगा. ओके, नेक्स्ट क्या रहेगा, सर्विस लेवल ऑब्जेक्टिव्स. ऑब्जेक्टिव्स में पहला पार्ट आता है इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट इज मैट्रिक्स. उसमें रिस्पांस टाइम रहेगा विद इन 1 आवर, इश्यू रिपोर्ट होना चाहिए. ओके, रिस्पांस टाइम क्या है, 1 आवर में इश्यू का रिस्पॉन्ड रहना ही चाहिए, होना ही चाहिए. अगर 1 आवर में रिस्पॉन्ड नहीं करते इश्यू को तो SLA ब्रीच हो जाएगा और कंपनी को पेनल्टी पे करनी पड़ेगी. टाइम टू रिस्पॉन्ड is 1 hour. Resolution time 4 hour. 4 hour में issue resolve होना चाहिए. इसमें कैसा रहता है, resolution time में P1 का एक अलग रहता है, P2 का अलग, P3 का अलग, P4 का अलग, ऐसे resolution time रहता है. P1 का 4 hours रहता है, P2 का 8 hours रहता है, standard में बता रहा हूँ. P3 का 2-3 दिन रहता है, P4 का 1 हफ्ता रहता है, just like that. Okay. Time to resolve, uptime 99.9% of availability of network and system रहना चाहिए. अप 10% ये रहना चाहिए. मेंटेनेंस, स्केड्यूल मेंटेनेंस वंस इन अ मंथ. ओके, वो फ्रीक्वेंसी रहेगी. क्वालिटी स्टैंडर्ड में एक्यूरेसी रहेगी 99%. कम्युनिकेशन रहेगा क्लियर एंड टाइमली अपडेट्स ऑन इश्यू स्टेटस. कम्युनिकेशन मेथड कुछ भी रहेगी आपकी जो टीम्स वगैरह यूज करते हैं. और रिस्पॉन्सिबिलिटीज में क्या रहता है, सर्विस प्रोवाइडर का रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइमली रिस्पॉन्स एंड रेजोल्यूशन ऑफ द इश्यूज. रिस्पॉन्सिबिलिटीज में वो आएगा. और कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या आती है, प्रोवाइडिंग एक्यूरेट इश्यू डिटेल्स एंड कोऑपरेशन. ओके, रेमेडीज एंड पेनल्टीज में कॉम्पनसेशन वगैरह जो रहेगा वो आ जाएगा. ओके, डिडक्शन ऑफ फेलियर टू मीट SLO पेनल्टी स्ट्रक्चर. SLO मतलब सर्विस लेवल
सर्विस लेवल ऑब्जेक्टिव्स, अगर फेल होते हैं तो पेनल्टी भरनी पड़ेगी। ओके सो ये सिंपल सिंपल एग्जांपल है, अगर पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो वो भी मैं आपको दे दूंगा, बट द कंडीशन इज टू सब्सक्राइब द चैनल, क्लिक ऑन बेल आइकॉन एंड सेंड मी मेल ऑन complexequal.com, वो जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। दिस प्रोवाइड्स अ सिंपलीफाइड एग्जांपल ऑफ कंपोनेंट्स टिपिकली फाउंड इन एसएलए, outlining the service details, performance matrix, quality standards, responsibilities and remedies and procedure for review and modification. Okay, so ye sab aata hai SLA mein. So aapko ye simple language mein SLA ka matlab pata chala hoga. Aapko agar ye video pasand aaya to please like this video, subscribe the channel, click on bell icon and aapko agar interview questions free of cost chahiye PDF format mein to please mail me on complexsql@gmail.com. After subscribing the channel. Thanks for staying watching this video till end. Cheers.